वेलकम बैक नाजीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग शो आमना के साथ। और आज की दोनों रेसिपीज, हेल्दी रेसिपीज, मज़ेदार रेसिपीज आपके लिए तैयार हैं, और जो के हैं दही चिकन और उसके साथ कढ़ाई पनीर। आपने देखा कि सब इंग्रेडिएंट्स जो थे वो सिंपल थे, इजी टू मेक, इकोनॉमिकल, स्पेशली आजकल बजट को सबसे ज़्यादा नज़र में रखना चाहिए खाना बनाने से पहले। स्पेशली नाजीन, आजकल इतनी महंगाई भी हो चुकी है, और स्पेशली वो जो रेसिपीज जिन पे इतनी सारी लंबी लिस्ट होती है इंग्रेडिएंट्स की के पहले शॉपिंग जाना पड़ता है, नहीं वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसमें अपने अपने इकोनॉमिक्स भी देखने होते हैं, बजट भी देखना होता है, और कम से कम टाइम किचन में गुजारें, क्योंकि और भी इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और टाइम को नज़र में रखते हुए हेल्दी खाना तैयार कीजिए फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली डॉक्टर्स और डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट दुनिया भर में यही कह रहे हैं कि आजकल जो प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें उनको बिल्कुल मिनिमाइज कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, स्पेशली बच्चों में जहाँ पे हैबिट फॉर्मिंग एजेस हैं, उनकी एजेस पे जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, ताकि आगे जाके उनको खुद आदत हो फ्रेश और हेल्दी खाने की। और प्रिजर्वेटिव्स और कैंड फूड और फास्ट फूड जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट है, उसकी तरफ ना जाएं, ठीक है। बैलेंस कई दफ़ा दिल भी करता है खाने को, ज़रूर कभी कभार हफ्ते में, दो हफ्ते में एक दफ़ा खा भी सकते हैं, लेकिन उनको उनकी जो पैलेट है, उनकी जो टेस्ट बड्स है, वो हमें खुद, हमारी ड्यूटी है कि हम कोशिश करें कि उनको हेल्दी खाने और हेल्दी इन्ग्रीडियंट्स की तरफ लेके जाएँ, ताकि आगे जाके उनको कोई छाला तकलीफ ना हो। अच्छा नाजीन, हमें एक कॉल आई थी, और मेरी एक बहन का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, और वो ये था कि फ्रोज़न चिकन जब प्राइसेस गिर जाती हैं तो लोग काफ़ी फ्रीज़ कर लेते हैं, तो वो उसमें तो कोई बुराई नहीं है, फ्रीज़ बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उनका सवाल ये था कि ये कितनी देर तक फ्रीज़ कर सकते हैं, और इसका क्या प्रोसीजर है, ये ख़राब तो नहीं होता? तो मेरे पास जवाब बिल्कुल है नाज़रीन, बात असल में ये है कि आप 2 से 4 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं चिकन को, लेकिन आपको फ्रीज़ करने से पहले कुछ स्टेप्स लेने ज़रूरी होंगे, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म फ्रीजिंग कर रहे हैं, यानी कि 2 महीने तक या 4 महीने तक, तो फिर आपको उसकी पैकेजिंग जो है उसको एयर टाइट में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसमें बिल्कुल कोई हवा ना जाए, नहीं तो वो अगर जाएगी तो वो कंटेमिनेट हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह उसको या फॉइल में या प्लास्टिक में अच्छी तरह टाइटली रैप करना होगा, हर चिकन या पूरा चिकन हो या उसके आपने पीसेस करके अलग प्लास्टिक के बैग में, फ्रीज़र बैग्स में डालने हो, अच्छी तरह रोल करना होगा या प्लास्टिक के बैग को अच्छी तरह टाइटली रैप करना होगा, ताकि उसमें कोई गुंजाइश ना रहे उसमें हवा जाने की। तो आप बिल्कुल फ्रीज़ कर सकते हैं 2 से 4 महीने तक, और लेकिन उसको आप टाइटली एयर टाइट प्लास्टिक बैग में ज़रूर टाइटली रैप ज़रूर कीजिएगा। हम लेंगे जी एक कॉल, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फातिमा बात कर जी। फातिमा, फातिमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी फातिमा, मैंने बस कहना था बच्चों के लिए पिज्जा घर बनाने के लिए कुछ ऐसी रेसिपी बताएं, बन जाए इजीली पिज्जा बन जाए, ठीक है, इंशाल्लाह जरूर मैंने नोट कर लिए, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक के मेन्यू में आपके लिए पिज्जा जरूर शामिल करें, और चॉकलेट केक्स वगैरह इस तरह की चीजें। अब ईद आ रही है ना, आपके लिए चॉकलेट केक्स खूब बनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच जी फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आज की दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल तैयार हैं, इसी के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त अपनी टीम के साथ, और आप अपना वीकेंड खूब इंजॉय कीजिएगा, खूब मज़े मज़े के और हेल्दी खाने ज़रूर खाइएगा, और फिर हमें अपनी कीमती राह से आगाह ज़रूर करते रहिएगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं लूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी बहुत ज़बरदस्त हेल्दी रेसिपीज़ के साथ और हर्बल रेमेडीज़ और हर्बल ब्यूटी टिप्स के साथ। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, हेल्दी और फिट रहिए। खुदा हाफिज़।